गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में उपखंड नंदगंज से सैतापट्टी उपकेंद्र से संबंधित गजाधरपुर गांव में गुरुवार को विद्युत विभागीय तथा विजिलेंस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 25 लोगों के कनेक्शनों की जांच की गई। 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाए पर 15 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया, जबकि चोरी से बिजली जला रहे 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। चेकिंग से लोगों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग टीम में SDO नंदगंज अमित कुमार, विजिलेंस इंस्पेक्टर AK सिंह, JE पंकज कुमार के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के सभागार में गुरुवार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और इनर व्हील क्लब के तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बच्चियों व महिलाओं को जागरूक करने के लिए मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह और उनकी पत्नी प्रीति सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने छात्राओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा, महिला अपराधों और महिला सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया। मिशन शक्ति पर हुए प्रतियोगिता में कनुप्रिया राय प्रथम स्थान पर रहीं। इस अवसर पर सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, चेयरमैन संजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष विनीता सिंह, स्वामी सहजानंद के अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार राय, NCC अधिकारी डॉ. विलोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन डॉ. प्रमोद कुमार आनंद ने किया। अंत में डॉ. UC राय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर समर्पण संस्था शास्त्री नगर के परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि समाजसेवी मीरा राय की तरफ से 100 दिव्यांग जन को कंबल का वितरण के साथ उनका मुंह मीठा कराया गया। मुख्य अतिथि ने समर्पण संस्था की संचालिका सविता सिंह की सराहना करते हुए कहा कि समर्पण संस्था एक महिलाओं की संस्था होने के बावजूद जो दिव्यांग जन के हित का कार्य करती है वो सराहनीय है एवं अतुलनीय। इस अवसर पर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, अशोक कुमार यादव, नाजिया बेगम, शारदा सिंह, मिथिलेश सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन राजेश्वरी विकलांग विद्यालय प्रधानाध्यापक अमरनाथ गुप्ता ने किया। अंत में संचालिका सविता सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं दिव्यांगजन के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में देश के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉ. राजेंद्र बाबू की जयंती पर पीर नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. राजेंद्र बाबू इस देश के महान नेता थे। इस अवसर पर अशोक कुमार श्रीवास्तव, रजनीकांत श्रीवास्तव, संजय सेवराई, संतोष कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। संचालन महासभा के जिला सचिव शैल श्रीवास्तव ने किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह करंडा द्वितीय के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी अंकुर सिंह, अनुराग, युवा समाज सेवी हर्ष सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मेदिनीपुर बाजार पहुंचे। पिछले दिनों लगे भीषण आग में जिन 13 लोगों की दुकान जलकर राख हुई थी उनसे वार्ता की। श्री सिंह ने पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में सदर तहसीलदार से फोन पर बात भी की। अंकुर सिंह, अनुराग ने कहा कि यदि मुआवजा देने में लापरवाही बरती गई तो हम लोग यहां धरना के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अभय सिंह, जिला संगठन मंत्री हैप्पी सिंह, जिला प्रचार मंत्री एवं युवा समाज सेवी हर्ष सिंह, जावेद अहमद खां, आकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।